बिहार की राजधानी पटना में एक ऐसी इमारत है जिसे लोग ताजुब से देखते रह जाते हैं। ये अजूबा है गोलघर, जो पटना पर्यटन के प्रमुख आकर्षणों में से एक है। इसके नाम का शाब्दिक अर्थ है गोलाकार आकृति वाला घर। शांतिपूर्ण वातावरण और प्राकृतिक सुंदरता की वजह से गोलघर पटना शहर के मनोरम स्थानों में से एक है। दिखने में तो ये काफी रोमांचक है, पर इसके पीछे का इतिहास बेहद गंभीर है। 1770 में भारत के कुछ क्षेत्रों को भयंकर सूखे का सामना करना पड़ा। इस दौरान लगभग 1 करोड़ लोग भुखमरी के शिकार हुए थे। सामाजिक वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि इस अकाल के पीछे ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियां बड़ी वजह थी। लोगों से बड़े पैमाने पर कर वसूल किया जाता था, जिससे उनकी आर्थिक दशा दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने राजस्व समिति के तत्कालीन अध्यक्ष जॉन शोर को अकाल से निपटने और जरूरी कदम उठाने के लिए इस क्षेत्र में भेजा। शोर ने इस समस्या से निपटने के लिए अनाजों पर से ट्रांजिट ड्यूटी हटाने के साथ पटना जाने वाले अनाजों पर स्थानीय प्रतिबंध हटाने का फैसला किया। उन्होंने अनाज रखने के लिए राज्य में गोलघर के निर्माण का प्रस्ताव रखा। उस वक्त के गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स ने इसकी मंजूरी दे दी। ब्रिटिश इंजीनियर कैप्टन जॉन गासर्टिन ने इसका निर्माण 1784 को शुरू करवाया और 1786 को इसका कार्य पूरा हुआ था। यह स्थापत्य का अद्भुत नमूना है। इसके निर्माण में कहीं भी स्तंभ नहीं है। गुंबदाकार आकृति के कारण इसकी तुलना मोहम्मद आदिल शाह के मकबरे से की जाती है। गोलघर के अंदर एक आवाज 27 बार प्रतिध्वनित होती है। ये अपने आप में अद्वितीय है। इसका आकार 125 मीटर चौड़ा और 29 मीटर ऊंचा है। गोलघर के शीर्ष पर एक बड़ा व्यास का छिद्र अनाज डालने के लिए छोड़ा गया था, जिसे बाद में भर दिया गया। इमारत की दोनों तरफ 145 टेढ़ी मेढ़ी सीढ़ियां हैं, जो इसकी अलग सी पहचान बनाता है। इन्हीं के सहारे गोलघर के ऊपरी सिरे पर जाने की सुविधा है। किसी समय में गोलघर पटना की सबसे ऊंची इमारत थी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने गोलघर की मरम्मत का कार्य 2011 में प्रारंभ किया था, लेकिन उसके गुंबद के संरक्षण का कार्य 7 वर्षों में भी पूरा नहीं हो सका है। आज हजारों पर्यटन इस अजीब सी इमारत को चढ़कर पटना शहर और गंगा के दृश्य को देखने का अनूठा अनुभव लेते हैं। पर इनमें से शायद कुछ ही लोग इसके इतिहास को जानते होंगे।